आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि समानांतर मामले को लेकर सरकार का नजरिया साफ है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर भी हमला बोला। इस समय धर्मांतरण का मामला बेहद गर्म है। यूपी में धर्मांतरण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया है उसे लेकर प्रदेश की योगी सरकार बेहद गंभीर है। आगरा आए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना था कि विपक्ष को इस मामले में सरकार की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अगर धर्मांतरण के लिए कोई पकड़ा जाए और भारत के संविधान और व्यवस्थाओं के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो विपक्ष को बधाई देनी चाहिए, लेकिन बधाई देने के बजाय ऐसे कुछ लोगों को प्रशय देने का काम, उनको प्रोत्साहित कराने का काम अगर कोई करता है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जो भी समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा बगैर पक्षपात के सरकार कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी। ओबीसी के बयान पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना था कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। देखिए, बहुत से लोग बहुत से बयान देते हैं, हर बयान पर जवाब नहीं हुआ करता। भारतीय जनता पार्टी ने एक निश्चित रूप में एक अपनी जो सैद्धांतिक नीतियाँ हैं, संकल्प है, उसको दोहराया है और हम अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर जनता के प्रति हमने क्या किया है, अपने रिजल्ट कार्ड के आधार पर हम चुनाव मैदान पे भविष्य में जब भी जाएंगे चुनाव मैदान में जाएंगे अपने रिजल्ट कार्ड के आधार। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से जब 2022 के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि विचारधारा के आधार पर पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और सफलता हासिल करेगी। भाजपा की जो अपनी विचारधारा है भाजपा उस पर पूरी तरीके से कायम है। ये आप सब लोग की अपनी सोच हो सकती है। बीजेपी में हर जाति और संप्रदाय का ख्याल रखा गया है और मैं समझता हूँ कि कोई नाराजगी के बजाय जो प्रसन्नता का भाव है वो उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा उत्साहित लोग दिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज किया कि कोई वर्ग भाजपा से नाराज है। डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना था कि भाजपा सभी जातियों को साथ लेकर काम करती है। बीजेपी के बारे में जिनको जानकारी बेहतर है वो ये जानते हैं कि हमारा जो नया कार्यकर्ता होता है वो पुराने कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन पे ही काम करता है, इसलिए उनको मनाने और न मनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारा वर्किंग जो प्रोसेस है वो इस प्रकार का है कि जो छोटा कार्यकर्ता जूनियर कार्यकर्ता होता है वो बड़ों से मार्गदर्शन लेता है और जो ऊपर से टॉप लीडरशिप जो डिसीजन लेती है वो नीचे तक उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं, अभी तो सब चल ही रहा है तमाम प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में जब आएगा तो आपको बताएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा धर्मांतरण के मामले सहित तमाम मामलों को लेकर विपक्ष पर हमलावर नजर आए। राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़, आगरा।